हेलो एवरीवन, कैटनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अर्शिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रोस को व्यू कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल मेथड में बताने वाली हूँ मैक्रोस किस लिए यूज़ कर सकते हैं और किस टाइम पे हम मैक्रोस का उपयोग कर सकते हैं। मैक्रोस हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको रिकॉर्ड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, मैक्रोस का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आप ऐड कर रहे हो, अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, फ्यूचर में कहीं भी आपको वो रिपोर्ट्स ओपन करना हो तो डायरेक्टली मैक्रोस में जाके आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन ओपन करना पड़ेगा। उसमें आपको रिबन में जाना पड़ेगा। रिबन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, लाइक होम, इंसर्ट, डिज़ाइन सब कैसे यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ आपको व्यू टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा। व्यू टैब में आपको इधर पे रहेगा मैक्रो, शॉर्टकट की है ऑल्ट F8। तो फर्स्ट हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक कीजिए, इधर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। माइक्रो नेम आप क्या देना चाहते हो, लाइक एग्जांपल माइक्रो नेम आप रोहन देना चाहते हो तो मैं इधर पे माइक्रो नेम रोहन दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको इधर पे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म ऐड करना है। ओके कीजिए। देखिए आप इधर पे देख सकते हो एक सिंबल, हम आप मैं जो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ वो सब इधर पे रिकॉर्ड होता रहेगा। एग्जांपल रैंडमली मैं इधर पे एक पैरा कुछ भी मैं इधर पे लिख के मैं इधर पे ऐड कर रही हूँ, एक डॉक्यूमेंट वगैरह मैं इधर पे लिख रही हूँ तो वो सभी कुछ इधर पे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो तो फिर से उसी माइक्रोस में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए। अब जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट इधर पे रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अभी मैं इस डॉक्यूमेंट को क्या करूँगी, क्लोज कर डिलीट कर दूँगी। अभी मैं नेक्स्ट डे आके उसी डॉक्यूमेंट का उपयोग मुझे करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी, माइक्रोस में जाऊँगी, उधर पे व्यू मैक्रोस ऑप्शन रहेगा, उधर पे जाके आप क्या कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इधर पे अमूल्या नेम से एक माइक्रो क्रिएट करके रखा है। अभी मैंने आपको बताया था रोहन के नेम से, तो मैं रोहन के ऊपर क्लिक करूंगी, रोहन के ऊपर क्लिक करके रन दूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो भी मैंने उस माइक्रो में रिकॉर्ड किया था वो आपको हाईलाइट होके दिखाएगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स इजीएस्ट वे से रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली उसी डॉक्यूमेंट का उपयोग आप एवरीडे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊँगी। थैंक यू, बाय।